फ़लस्तीन के लिए तो मैं दुआ की तारीख करते रहता हूँ, अब भी उनको याद रखें, अपने अपने हल्के अहबाब में इनके हक़ में आवाज़ भी उठाते रहें, लोगों को बताते भी रहें, ख़ास तौर पर सियासतदानों को। पहले ही मैंने कहा था इसराइल की हुकूमत तो अपने ज़ुल्मों से बाज आने वाली नहीं लगती, बल्कि अब तो ये फौजियों को पैगाम दिया है कि 2024 का साल भी जंग का साल है। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों पर रहम फरमाए। इससे अब यह भी कहा जाने लग गया है कि रीजन में भी जंग फैलने का खतरा है और फिर आलमी जंग भी हो सकती है। बेरूत के इर्द गिर्द भी इन्होंने बमबारी शुरू कर दी है, बढ़ती चले जा रहे हैं। अब ये गो बज़ाहिर अमरीका की हुकूमत उनको यही कह रही है कि महदूद करो अपनी जंग को, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज ही लगते हैं, दबी हुई आवाज़ें हैं इनकी। असल मंसूबा तो इनका ये लगता है कि गजा से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाए और उस ज़मीन पर फिर कब्ज़ा कर ले। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों को रहम फरमाए और मुसलमानों को भी रहम फरमाए, इनको भी अक्ल और समझ दे और इस तरफ भी ये गौर करें कि ज़माने के इमाम को भी की आवाज़ को भी सुने और माने।